हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए स्टैटिक जीके की लाइव क्लास होती है, जिसमें हम अति संभावित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग शेयर भी कर दीजिए क्लास को एंड लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए, बिंदु जी क्लास स्टार्ट हो चुका है, अंजलि जायसवाल क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है। सभी लोग शेयर कर दो एक बार क्लास को। अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हो, सुनाई ना दे रहा हो, क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख के जरूर बताएं हमें। इसके साथ साथ आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा यूज़र आईडी है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, और जो भी आपके सवाल है बीएड को लेकर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, समय बहुत कम बचा है, जून माह में ही परीक्षा है आपकी, और अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो आप लोग हमारी इस नोट्स की मदद ले सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी इस नोट से आपको, रिविज़न भी हो जाएगा, तैयारी भी कम्प्लीट हो जाएगी। टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को दिया गया है, सेलेक्टेड चीज़ें डाली गई हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो पूछे जा सकते हैं। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा विथ डिटेल सोल्यूशन, और कीमत बहुत कम, नाम मात्र 175 रुपीज़। जी हाँ, मात्र 175 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है कि सर मुझे यूपी बीएड का या बिहार बीएड का, जहां का भी चाहिए, मैसेज कर देना कि सर नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इच्छुक हैं इसको लेने के लिए तो क्लास के बाद में आप इस नंबर पर मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके की बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, अब आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह विशेषता नहीं थी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वार्नकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताएं। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एंड लाइक करें। बताइए, आरती जी बहुत बढ़िया, आस्था वेरी गुड, काजल, अश्मिता, बिंदु, रीमा, शाहिद, तौफीक, मुस्कान, सभी लोग शेयर करें क्लास को एंड लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, भारत मिहिर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। तीन नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संध्या भारती, मोहित, प्रदीप शाहू, मनीता, बहुत अच्छा, लक्ष्मी वेरी गुड, आस्था, निर्मल कुमारी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। फोर का राइट आंसर बताइए, 4 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बंगाल, बिल्कुल सही है। अगला देखो, 5 नंबर है, रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है, 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर बताइए। फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहां पर जितने भी लोग उत्तर कर रहे हैं, 5 का बी का उत्तर हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए सभी लोग। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग क्लास को शेयर कर दो एक बार एंड लाइक करें।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जितने लोगों ने उत्तर दिया है, 6 का सी का उत्तर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है 7 नंबर, देखें निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। क्या होता है? यह एक बंद तंत्र होता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि कोमल, अभिषेक वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुस्कान वेरी गुड, रीमा कुमारी, सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को, पुष्पा कुमारी बहुत बढ़िया, तौफीक वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आठ नंबर का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताएं आप लोग। नौ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेहा बताइए, नूतन बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह बहुत अच्छा, मुस्कान वेरी गुड, एसके कुमारी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जल चक्र यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न है गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं हमारे सभी स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, 10 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, ग्यारह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, रीमा वेरी गुड, तालिबा वेरी गुड, ताइबा वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्रदीप बहुत बढ़िया, स्मृति बबली बहुत बढ़िया, सचिन भाई बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, शिवानी वेरी गुड, 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र, बिल्कुल सही है। अगला देखो 12 नंबर है, 3 जनवरी को उपशौर की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब, बारह नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर एल तरंगे। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो बताइए, एक तरफ दोस्तों यहां पर देश दिए गए हैं, एक तरफ उनके मध्य रेखाएं जो हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए, तो सही सुमेलित है कौन सा इसमें पूछा गया है। 14 नंबर का जवाब, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। अगला देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखें, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए, 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? अश्मिता बताइए, स्मृति, सचिन, रीमा, शिल्पा, बिंदु, सौरभ, प्रदीप, निधि बहुत बढ़िया, रंजू वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा, एंडीज हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, सिक्सटीन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस
योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 18 का राइट आंसर बताइए, सुखवीर सिंह, शिवानी, अर्चना, सपना, वेरी गुड सौरभ, रॉबिनहुड। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अगस्त सन 1946। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 नंबर का जवाब बताओ। दो कथन दिए गए, पहला कथन है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची का कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो दोनों में कौन सा कथन सही है? 19 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 20 का जवाब बताइए। समीक्षा करेंगे, सर जी नेट रो रहा है, चलो भाई सब लोग रो साथ में। 20 का जवाब क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 जो है, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखें कथनों में से कौन गलत है? चारों कथन को ध्यान से पढ़े और उत्तर दीजिए। बड़े ऑप्शन है लेकिन आप समझ दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड है, सही से पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए। इक्कीस नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व दो सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है। तीसरा कथन है इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। बताइए कौन से कथन सही है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब बताइए। हीना शेख, तौफीक, नेहा, आज संख्या कम है भाई क्लास में, सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, संख्या बढ़ाइए क्लास में। बाईस नंबर का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, केवल एक और तीन। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 23, पहला देखें वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा है खुले बाजार की क्रिया। बताइए, वेरी गुड, 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, तीनों। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 का आंसर बताइए, एस के कुमारी, आरती शुक्ला, स्मृति शर्मा, संध्या, पूजा, प्रदीप। उत्तर क्या हो जाएगा 24 का? चौबीस नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, देखें निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? पच्चीस का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, एनके सिंह समिति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रश्न देखें, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? 26 का राइट आंसर दें आप सब लोग।
26 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, कृषि लागत एवं मूल आयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 देखें, सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? अंकिता तिवारी बताइए, शिवानी को, बहुत बढ़िया, बबली वेरी गुड, अभिषेक, रीमा, रूपम, 27 का जवाब क्या हो जाएगा? आज सब कहाँ गायब है भाई, सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भूमि कर विभाग, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रश्न है यहाँ पर, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, शिजदा व पैम्बोश प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो, इल्तुतमिस ने, बलबन ने, महमूद गजनवी ने, या फिर अकबर ने? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या हो जाएगा? रॉबिनहुड, आंसर करें, आस्था, बिंदु, रीमा, अर्चना, हीना, आस्था, सभी लोग बताइए 29 का जवाब। क्लास को शेयर करें और लाइक नहीं किया जिसने कर दीजिए लाइक। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, जितने स्टूडेंट्स हमारे आंसर दे रहे हैं, बी हो जाएगा, बलबन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 देखें, उत्बी कौन था, उत्बी कौन था यहां पर? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब, तीस नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक इतिहासकार। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है, शेरशाह के बारे में कौन कथन सत्य है, असत्य है पूछा गया है। 31 का जवाब, शेरशाह के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताइए? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन, यहां पर जितने लोग उत्तर कर रहे हैं, 31 का सी का उत्तर हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, यह गलत है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 32 है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालद्य लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजल शुक्ला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तौफीक, शिवानी, 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? 33 का उत्तर बताइए। तैतीस नंबर का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोधी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक के में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 34 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? खुशबू कुमारी, रंजू मिश्रा, आस्था, आरोग्य शिल्पी, शिवानी, रितिका यादव। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत बढ़िया, 34 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। अगला है 35 नंबर देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताइए, पूजा जी आंसर कर, रीमा, अंकिता, आस्था। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीता। का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्रेना में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, चलिए, हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स क्या होता है? 36 नंबर का उत्तर बताइए। थर्टी सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वे पौधे जो लवणों
वाली मिट्टी में उगते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दो, कूट में आंसर करना है। सैंतीस नंबर का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब, थर्टी एट का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए बी। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। 39 का जवाब, 39 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग लाइक कर दो एंड शेयर करें क्लास को सब लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर बताइए,